हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 2:30 और 2:30 बजे हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम आ गए मैगलगंज। ये देखो पूरी बस खाली हो चुकी है और यहाँ पे बस रुकती है आधा एक घंटा। सब लोग यहाँ पे चाय पीते हैं। छोटी वाली गाय लोगी कहाँ आ गए वैसे एक बार और बताओ मैगलगंज। बोलो इतनी बड़ी गाय गोदी में कैसे आएगी तुम्हारे? कोई भी नहीं आएगी बेटा। काव्या तो सो गई थी थोड़ी देर, है ना? सो गए थे ना तुम? मैं नहीं सोई थी, मैं तुम्हें गोद में लेके बैठी थी। जब हम हापुड़ से आते हैं बस तीन जगह रुकती है, गढ़, रामपुर और यहाँ मैगलगंज। सब चाय पीते हैं फिर चल देते हैं। कल चलेंगे पापा के पास, ठीक है? अभी तो यहाँ पे चाय पी लो थोड़ी सी। नहीं, खाना मत खाओ, चाय पी लो ना। तो फ्रेंड्स 4 बज गए हैं और अब हम मितौली पहुंचने ही वाले हैं। बस अब घर नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है बाहर और यहीं रोड पे भैया रहते हैं, भैया के पास रुक जाएंगे, उसके बाद सुबह घर जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में। ये है हमारा नाश्ता सुबह सुबह। ये हमारे भाई साहब। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार और काव्या भी हमारी सो रही है। और मुझे पता नहीं था कि मेरी ट्रेनिंग है, मुझे आके भाई साहब ने बताया कि आज आपकी ट्रेनिंग है, लिस्ट में नाम आया। मैंने देखा भी नहीं था कल क्योंकि मैं तो तैयारियों में लगी हुई थी। और अब पहले जाएंगे स्कूल, पहले वहाँ ज्वाइन करेंगे फिर आएंगे ट्रेनिंग में। और अब कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता बनाया भाई साहब ने और मुझे भी भाई साहब ने ही उठाया था, मैं सो गई। कुछ देर जगी हुई थी, मैं अपने पापा के लिए बहुत रोई थी पहले तो, बहुत ही ज्यादा रोई थी। काफी दिन बाद आई है, बहुत रोई थी। यहाँ आके मैं तो सो गई थी और ये बार बार सैंडल पहन के कह रही मैं जा रही हूँ घर, मैं जा रही हूँ घर। फिर सतीश सर ने कहा कि बाहर कुत्ते इतनी तेज भौंक भी रहे थे, कह रही कुत्ते भौंक रहे हैं, फिर ले जाएंगे। तब जाके ये लेटी यहाँ पे और तब सोई, वरना कह रही मैं घर जा रही हूँ। मैं सोच रही थी काव्या यहीं रुक जाएगी, यहीं सो जाएगी मैम के पास, और लेकिन ये तो जाग गई है और कह रही है मैं भी चल रही स्कूल। चलो फिर ऐसे ही चलते बिना नहाए, देर हो रही है, चलो मामा इंतजार कर रहे हैं। लो काव्या को ऐसे ही कंघी कर लिए बाल और इसमें रख लिया काव्या का दलिया, काव्या खा लेगी स्कूल में। अच्छा ठीक है, ले लेते हैं एक जोड़ी कपड़े, वहीं चेंज कर लेंगे और ये वाली टॉवल। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, कहाँ चलें? घर चले, पहले स्कूल चलेंगे फिर घर चलेंगे। अब सैंडल पहनो अपनी जल्दी से। मम्मी। क्या बताऊं? मामा के स्कूल नहीं चल रहे हैं, हम अपने स्कूल चल रहे हैं। चलो बैठो बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी जल्दी बैठो चलो सब लोग चल रहे हैं, मैं भी तो चल रही हूँ। दूसरी दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया में आ गए हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो इतना बेकार रास्ता भी होता है और यहाँ पे स्कूटी लेके मैं काव्या को लेके आती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है हम गिर ना जाएं। और ये है रास्ते में नवोदय विद्यालय और इस बस अपने घर चलो, मैंने बोला था अपने घर चलो, पता नहीं इनका घर कौन सा है। और अभी स्कूल में आए तो स्कूल रुकेंगे ना थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स मुझे सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन करना और ज्वाइन करके ट्रेनिंग में जाना, तो एप्लीकेशन लिख के मैं ज्वाइन कर ही ले रही हूँ और फिर हम यहाँ से चलते हैं। मैंने ज्वाइन कर लिया। तो फ्रेंड्स ये है BRC और यहीं पे हमारी ट्रेनिंग होगी। तो अभी ट्रेनिंग शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं काव्या के साथ चलती हूँ घर पे और काव्या को नहला देती हूँ, देखती हूँ वहीं पे छोड़ दूंगी या फिर ले आऊंगी साथ में, अभी चल के देखते हैं। अरे ठंडे पानी से नहा लेना। हाँ, नहीं, मैं पानी से नहाती हूँ। क्यों, ठंडे पानी से नहाने से क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। जुकाम हो जाता है? हाँ। अच्छा मुझे नहीं पता था। काव्या जल्दी रेडी हो, अभी चले दावत।
कैसे करती हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऊपर कर रही हूँ इसे। तो मैं जा रही हूँ, बदल गई बहुत जल्दी, डिसीजन लेते हैं काव्या। अभी तो तुम अंदर कह रही थी। ये बन रहा है खाना, तो फ्रेंड्स काव्या को रहने देते हैं यहीं पे और हम चलते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रेनिंग में, और काव्या यदि रोएगी तो मनीष लेके आएगा, और वहाँ पे यदि वीडियो बनाई जाएगी तो मैं बनाऊंगी। इन समूह के साथ आवश्यकता अनुसार उच्चारात्मक या पुनरावृत्ति व अभ्यास कार्य किया जाएगा। ये गणित का साप्ताहिक शिक्षण चक्र है। गणित में सप्ताह के पहले 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य किया जाएगा, सप्ताह के 5वें दिन समेकन व आकलन का कार्य किया जाएगा। तो फ्रेंड्स नाश्ता और खाना ट्रेनिंग में ही मिलना है, और अब हो गया लंच का टाइम। तो चलिए लंच करते हैं, और आज लंच में है दाल चावल, छोले की सब्जी और पूड़ी। और यहाँ काव्या के मामा खा रहे हैं खाना, और ये है सर जी। तो खाना खा के हम जा रहे हैं घर, और रास्ते में आ गई है बारिश। चलो बारिश आ गई। काव्या क्या कर रही है? अर्पित अंदर है। अरे वाह, चलो भाई। ये है मेरा रूम, देखो क्या हालत हो रही है इसकी। अभी तो मैं इसकी सफाई नहीं कर पाऊंगी, ये हो रहा है बहुत गंदा, और मैं इसमें अभी सोऊंगी भी नहीं, रहूंगी भी नहीं। पहले मेरी ट्रेनिंग हो जाए 3-4 दिन की, तब देखा जाए। अरे काव्या आ गए। मैं कहाँ थी? मैं गई थी। तो ये है काव्या कार्तिक और अर्पित के साथ। ये क्या ले आई, खिलौने? हाँ, ये कहाँ से निकाल लिए इसने? अच्छा, और ये कहीं भी नहीं रुकी, और ये सिर्फ कार्तिक और अर्पित के साथ रुकी है। और मुझे लग रहा था मुझे वहाँ ट्रेनिंग में मेरे साथ जाएगी, लेकिन नहीं गई और आराम से खेल ली। और क्यों नहीं लेके गई थी? क्योंकि तुम परेशान करती, इसलिए नहीं लेके गई थी। यहाँ पे तुम खेल रही थी भाई के साथ। तो फ्रेंड मेरा रूम हो रहा है बहुत गंदा, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, और मुझे पता नहीं था कि मेरी ट्रेनिंग है। मैं स्कूल गई, स्कूल से फिर आई, काव्या को यहाँ छोड़ा अनुराधा के, कार्तिक अर्पित के पास, और फिर मैं गई ट्रेनिंग करने। और खाना खा के अभी वहाँ से आया, बारिश इतनी तेज आने लगी एकदम से। अच्छा, बहुत तेज बारिश आने लगी। और तो आज तो मेरा रूम साफ करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, क्योंकि पूरे रात के जगे हुए हैं। तो अब मैं आऊंगी, अभी तो मैं जाऊंगी, खाना खा के भी लंच हुआ है उसमें आई हूँ, खत्म होगी फिर मैं आऊंगी, और आके यहीं सो जाऊंगी। और मुझे जब भी टाइम मिलेगा, कल तो कल भी नहीं मिलेगा, परसों भी नहीं मिलेगा, तो संडे को शायद मिलेगा, तो मैं संडे को सफाई करूंगी, नहीं तो मैं यहीं पे विराजमान हूँ और मैं यहीं पे रहूंगी। तो ठीक है, खाना देता हूँ, दोनों हाथ से कौन खाता बेटा, चावल तोड़ रही है काव्या दोनों हाथ से। तो फ्रेंड्स फर्स्ट डे की ट्रेनिंग पूरी करके हम आ गए हैं बब्बल के घर। काव्या शिकायत कर रही है, मम्मी मामा नहीं खेल रहे मेरे साथ। काव्या आते ही बोल रही है मम्मा मेरा रूम साफ कर दो। मेरा कमरा कल साफ करूंगी मैं बेटा, ठीक है? अभी करूँ, कल कर दूंगी बच्चा। ये कूलर और साइकिल, ये दोनों चीज तो मैं अभी बाहर निकाल देती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।